स्टूडेंट वेरी गुड मॉर्निंग। देखते हैं क्वेश्चन का पार्ट फोर्थ, जिसमें कहा है कि रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइंड एज आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। ये रिलेशन दिया है और सेट है जेड। जेड क्या है? सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, यानी कि सभी इंटीजर्स का सेट है। तो जेड का मतलब हो गया एलिमेंट हो जाएंगे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, ये जीरो और प्लस इन्फिनिटी तक सारे एलिमेंट होंगे इसमें। अब इसके बाद हम रिलेशन में देखते हैं, रिलेशन में सभी इंटीजर्स हैं तो सभी आ जाएंगे इसमें, ऑर्डर्ड पेयर कोई भी बचेगा नहीं। अब केवल हम कंडीशन देखते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव क्यों होगा। तो रिफ्लेक्सिव में देखते हैं कि इसमें जब सेट में मान लो वन हमने लिया, तो वन का वन भी लिया है, वन में से वन माइनस करेंगे तो जीरो आएगा। वन माइनस वन क्या होता है? जीरो। इंटीजर है, वही बताया कि एक्स माइनस वाई इंटीजर होना चाहिए। अगर हम माइनस वन और वन ले लेते हैं तो माइनस वन से वन माइनस करेंगे तो माइनस टू हो गया, और माइनस टू भी इंटीजर है, यानी कि कोई भी नंबर लेंगे हम और उसको उसी से माइनस करेंगे तो इंटीजर ही आएगा, जीरो आएगा या कोई भी नंबर आएगा। तो यानी कि सारे हो सकते हैं इसमें। तो हम कह सकते हैं सिंस एक्स एक्स बिलोंग टू आर एज एक्स माइनस एक्स इक्वल टू जीरो विच इज इंटीजर, विच इज इंटीजर। अगर हम x का x लेते हैं यहाँ उसी नंबर में से उसको माइनस करते हैं तो जीरो आएगा, और जीरो भी एक इंटीजर होता है। सो गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, गिवन रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। अब देखते हैं सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए क्या है कि अगर एक्स वाई है तो वाई एक्स भी होना चाहिए। तो मान लो हमने इसमें लिया वन टू, तो वन में से टू माइनस किया तो माइनस वन आया, इंटीजर है। अगर टू में से वन को भी करेंगे तो वन आएगा, वो भी इंटीजर होगा। तो हम लिख सकते हैं सिंस एक्स वाई बिलोंग टू आर इम्प्लाइज दैट वाई एक्स आल्सो बिलोंग टू आर एज कैसे x माइनस वाई इक्वल टू इंटीजर होगा, तो y माइनस एक्स भी इंटीजर होगा। हैंस गिविंग रिलेशन इज सिमेट्रिक। ये हमारा रिलेशन सिमेट्रिक भी होगा। अब थर्ड टाइप बचा है, उसके लिए देखना हमें ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव में क्या है कि अगर हमने मान लिया इसमें वन टू है, पहले तो वन टू होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा कि वन में से टू करेंगे माइनस वन आएगा, इंटीजर है। फिर हमने मान लिया कि टू थ्री भी है, बिल्कुल होगा टू थ्री, क्योंकि सबसे पहले तो इंटीजर है सभी। तो टू में से थ्री माइनस करेंगे तो माइनस वन आएगा, ये भी इंटीजर है। अब इसके बाद अगर हम देखते हैं वन थ्री होगा कि नहीं, वन थ्री भी होगा। तो ट्रांजिटिव के लिए यही चाहिए कि अगर ए बी है और ए बी का बी सी भी है तो ए सी भी होना चाहिए। तो ये सारे इसमें होंगे। तो हम कह सकते हैं सिंस एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर implies that xz belongs to R, so given relation is transitive. तो given relation transitive होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं hence given relation is रिफ्लेक्सिव
सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अब अगर ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होते हैं तो शायद कहीं ये तो नहीं पूछा कि इक्विवेलेंस है, अभी इसमें इक्विवेलेंस नहीं पूछा, केवल यही कहा है डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो ये जो रिलेशन है वो हमारा रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। थैंक यू। देखते हैं अगला पार्ट, फिफ्थ।